हेलो एवरीवन, हम जीएसटी में बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो सप्लायर ने जो सप्लाईज की उसकी वैल्यू क्या होगी, पूरा स्ट्रक्चर एक आईडिया हमने पूरे चैप्टर का ले लिया था कि जो नोटिफाइड सप्लाईज है, नोटिफाइड सप्लाई सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, तो नोटिफाइड सप्लाई इज बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन द मैनर एज मे बी डिटरमाइंड वैल्यू विल बी डिटरमाइंड 15 सबसेक्शन 5। और यदि सप्लाईज मतलब जो सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है, नॉर्मली कोई सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है, तो जो सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है तो उनके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल होगा। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में कितनी कंडीशन थी, ये क्या करना हो, एक थी, दो थी, ढाई थी, चार थी, पांच थी, पांच। ट्रांजैक्शन वैल्यू में दो कंडीशन थी, कितनी कंडीशन थी बेटा, टू कंडीशंस। नंबर वन, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। यदि दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल होती है तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसिडर्ड। और यदि दोनों में से एक भी रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल नहीं हुई या दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल नहीं हुई, 15 सबसेक्शन 4 दैट इज अ जीएसटी रूल्स या सी जीएसटी रूल्स विल बी एप्लीकेबल। मैंने बता दिया था, याद करा दिया था कि डायरेक्टली रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ये रूल्स तभी अप्लाई होगा जब ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है, तो 15 सबसेक्शन 5 हमारे लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज अ 15 सबसेक्शन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ही जीएसटी जो चार्ज होगा वो वैल्यू पे होगा, जीएसटी जो चार्ज करना होगा कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू निकालनी होगी। और वैल्यू कौन सी होगी, 15 सबसेक्शन 1 दैट इज अ टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जब भी आपको सप्लाई जिस पर जीएसटी चार्ज करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज अ वैल्यू, वैल्यू इज अ टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 सबसेक्शन 1। लेकिन इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, 15 सबसेक्शन 2 बताता है देयर आर 5 पॉइंट्स टू बी एडेड। कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, देयर आर 5 क्लॉजेस ए बी सी डी ई, देयर आर 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स आपको क्या करने, ऐड करने, इंक्लूड करने इन अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। And the 2 points of the discount that is given in the 15 subsection 3 is required to be deducted. जितना recipient ने price pay किया supplier को, जितना recipient ने price pay किया, recipient ने जो भी, तो जो भी price paid और payable है to the supplier, तो supplier को जो भी price दे दिया या दिया जाना है, वो जो price है, that is a transaction value, इसमें कितने adjustment करने, 5, कितने, 5. 15 subsection 2, तो 15 subsection 2 के अंदर 5 points आपको add करने और 2 points आपको क्या करने, minus करने हैं। और minus करने के बाद जो amount आएगा that is a value of supply जिस पर आपका GST calculate होगा। तो अब हमें ये याद करना है कि 15 subsection 2 के अंदर कौन से 5 points आपको add करने और कौन से 2 point discount के आपको minus करने हैं 15 subsection 3। तो अब हमारी क्लास के अंदर हम बात करेंगे inclusions की वैल्यू के अंदर क्या क्या ऐड करना है, जो भी आपकी प्राइस है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस, तो उस प्राइस के अंदर जो प्राइस पेड और पेएबल है उस प्राइस में ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर कितना एडजस्टमेंट करने, 5। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए क्या कहता है, पॉइंट नंबर ए ये कहता है कि वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना होगा जो भी टैक्सेस, ड्यूटी, सेल्स, फीस या चार्ज, जो भी नाम हो, कोई भी टैक्सेस हो, मतलब कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज। लेकिन हो सकता है कि जो टैक्सेस और ड्यूटी, टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं हो, किसी और नाम से लिया गया हो, मे बी सेल्स, फीस और चार्जेस। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज चार्ज अंडर एनी लॉ। नॉर्मल जो सर्विस चार्जेस है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो चार्जेस की बात कर रहा हूं, फीस की बात कर रहा हूं, टैक्सेस की बात कर रहा हूं, जो किसी कानून के अंतर्गत, किसी कानून के अंदर, तो अंडर एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग फोर्स, यदि कानून बोलता है कि कोई चार्जेस लगाओ तो चार्जेस टैक्सेस है।
तो ये गवर्नमेंट ने क्या बोला, टैक्सेस बोलो, ड्यूटीज बोलो, सेस बोलो, फीस बोलो, चार्जेस बोलो, जो भी अमाउंट बोलो, ये किसी भी लॉ के अंदर अंडर एनी लॉ डिवाइड फॉर अ टाइम बी इनफोर्स, वो सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा सर ये क्या हो गया, तो अपन एग्जांपल लेते हैं व्हाई वी आर वरीड। तो नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 1। फोकस करना, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। और वैसे भी मैंने पहले कह दिया था आज की बात, जीएसटी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। एग्जाम्पल नंबर 1, बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ ए, ए इज अ सप्लायर। कैसे सप्लायर हुआ, तो अपन डायरेक्टली सप्लायर नहीं लेते, ए की कोई प्रॉपर्टी है, ए ने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, बी को बिजनेस रन करने के लिए। यदि ए प्रॉपर्टी बिजनेस के पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट करता है, तो ये सर्विसेज से जीएसटी चार्ज करना होगा। ए ने प्रॉपर्टी लेट आउट किया, तो एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, ए, तो ए को क्या बोला जाएगा, दैट इज अ सप्लायर। बी ने क्या किया, प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तो सर्विसेज ली, दैट इज अ बी इज अ रेसिपिएंट। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। ए ने जो प्रॉपर्टी मतलब लेट आउट की, तो ए ने बोला ये जो प्रॉपर्टी बिजनेस के पर्पज से तो मैं लेट आउट कर रहा हूं, इसका जो किराया होगा, जो रेंटल होगा, जो लीज अमाउंट होगा, दैट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ प्लस जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे वो भी तुम्हें ही बियर करने होंगे। ए जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो बी को ये प्रॉपर्टी लेट आउट पे दे रहा है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट कर रहा है, तो ए ने जो प्रॉपर्टी बी को दी बिजनेस करने के लिए दी, तो जीएसटी लगेगा। हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर वैल्यू क्या होगी, तो ए ने बोला जो प्रॉपर्टी में तुम्हें दे रहा हूं उसका किराया, रेंटल्स, लीज अमाउंट विल बी द 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब तुम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो, तो इसका जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस होगा वो भी तुम ही गवर्नमेंट को पे करेगा, अब नहीं पे करेगा 20,000। मतलब 1 लाख रुपए का रेंट के नाम से, मतलब रेंट तो 1 लाख रुपीज का है और 20,000 रुपीज का ड्यू टू यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो भी भैया ये प्रॉपर्टी तुम ले रहा है, तो इसका जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस आएगा वो भी आपको ही गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो बी ए को कितना दे रहा है, बी ए को दे रहा है 1 लाख रुपीज और 20,000 रुपए टैक्सेस पे कर रहा है, या टोटल 120 पे कर रहा है, जिसमें ए 20,000 रुपीज का खुद टैक्सेस पे कर रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, दैट इज 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे अब ए क्या बोलेगा, देखो मैं ही ले लेता हूं, मैं ही गवर्नमेंट को जमा करा देता हूं, तो ए क्या बोलेगा, रेंट ध्यान से देखो, यार देखो मेरा, ए क्या कह रहा है, मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दी, रेंट जो मिल रहा है मुझे प्रॉपर्टी का, वो तो ए 1 लाख रुपीज से मिल रहा है, 20,000 रुपीज तो आपने मुझे दिया, मैं गवर्नमेंट को म्युनिसिपल टैक्सेस के रूप में दे रहा हूँ, तो क्या 20,000 रुपए का जो म्युनिसिपल टैक्सेस है क्या वैल्यू में ऐड होगा, जो जीएसटी जो लगेगा, जीएसटी जो लगेगा वो 1,20,000 पे लगेगा या 1 लाख रुपीज पे लगेगा, दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ में आई, बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यही तो एडवाइस आपको देनी पड़ेगी जो आपके क्लाइंट्स आएंगे। जीएसटी पढ़ क्यों रहे हम, इसलिए कि मार्केट में जब भी किसी क्लाइंट को यह प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो भी सप्लायर्स है जो प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, तो वो यार ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि हमारा जो रेंटल है 1 लाख रुपीज है और 20,000 तो हमने टैक्सेस का लिया, तो 1 लाख रुपए का रेंट है, 20,000 टैक्सेस है, टोटल मिला 120 है, लेकिन रेंटल तो 1 लाख रुपीज है, तो दे आर कंफ्यूज। क्या है कंफ्यूजन, कि वैल्यू 1 लाख रुपीज होगी जो रेंटल है, या टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज का रेंटल और 20,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्सेस। तो वैल्यू क्या बनेंगे, क्या ये 20,000 रुपीज भी 1 लाख रुपीज में इंक्लूड होंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के पर्पस के लिए दिया हुआ है कि जिस वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करोगे
इंक्लूजन्स, वैल्यू में ऐड करना होगा, इंक्लूड होगा एनी टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस किसी भी कानून में, किसी भी लॉ में, जो भी लिवाइड और चार्ज किया गया है, तो जो भी टैक्सेस, ड्यूटी, फीस, सेज और चार्जेस जो किसी भी लॉ में इम्पोज्ड है, वो सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। इट मींस जीएसटी के पर्पस के लिए जो वैल्यू होगी वो 1 लाख रुपीज नहीं होगी, जब वैल्यू इज 1,20,000 रुपीज। पहले एक बार ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं सेकेंड एग्जाम्पल समझाता हूं। फर्स्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल तुम लोगों ने लिख लिया होगा, पर और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल there is a x, ये फॉर एग्जाम्पल टबे को सप्लाई करता है टू बी। प्रेजेंटली अभी यदि x ने b को जो टबे को सप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ प्राइस रुपीज 12,000, इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्जेबल हो गई, दैट इज अ रुपीज 4,000। टोटल अमाउंट चार्ज फ्रॉम बी रुपीज 16,000। मतलब एक्स तभी को सप्लाई करता है बी को, तभी को के ऊपर प्रेजेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी अभी तक लेवी है, चार्जेबल है, अभी रिमूव्ड नहीं हुई। तो जब X ने B को टबे को सप्लाई किया, तो टोटल अमाउंट जो चार्ज किया, टोटल मींस प्राइस अमाउंट, दैट इज अ 12,000 रुपीज का टबे को का वैल्यू है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है अमाउंट, दैट इज अ 4,000 रुपीज। तो मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीएसटी के पर्पस के लिए जो X जो टबे को सप्लाई कर रहा है, दैट इज अ सप्लायर, तो इस सप्लायर के लिए जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, तो वैल्यू 12,000 रुपीज होगी जीएसटी के पर्पस के लिए या 16,000 रुपीज। तो पॉइंट नंबर ए सारे कंफ्यूजन क्लेरिफाई करता है, कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज अंडर एनी लॉ, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो, चाहे वो कोई और कानून है, किसी भी एक्ट में यदि कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज यदि चार्ज हुआ, वो वैल्यू में ऐड होगा। इट मींस जीएसटी के पर्पस के लिए जो वैल्यू होगी वो 12,000 रुपीज नहीं होगी, द वैल्यू विल बी द 16,000 रुपीज। इट मींस 4,000 रुपीज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल बी इंक्लूडेड इन द पॉइंट नंबर ए, एनी टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, ये सब आपको क्या करना होगा, वैल्यू के अंदर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, सर मजा नहीं आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। देयर इज ए पर्सन डी, डी ने फॉर एग्जांपल ई को कोई भी एंटरटेनमेंट जो मूवीज है, मूवीज का कोई टिकट सप्लाई किया, या कोई भी एंटरटेनमेंट इवेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड की, एंटरटेनमेंट इवेंट या कोई भी मूवी टिकट, जिस पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो प्राइस है दैट इज अ रुपीज 700, और उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लग गया। तुम में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर आप स्टार्टिंग भूल क्यों जाते हो, सर जिस दिन आपने जीएसटी पढ़ाया था आपने बोला था एंटरटेनमेंट टैक्सेस अब नहीं लगता, 1 जुलाई 2017 एंटरटेनमेंट टैक्सेस जीएसटी के अंदर कवर हो गया। मुझे अभी भी याद है एंटरटेनमेंट टैक्सेस को हमने जीएसटी के अंदर कवर कर लिया। सभी आपने यहाँ पे कैसे लिखा, ऐसे लिखा कि जो लोकल बॉडीज, क्या लोकल बॉडीज ने जो टैक्सेस है, कौन से एंटरटेनमेंट वाले, तो यदि कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है लोकल बॉडीज के द्वारा इंपोज किया जाता है, वो पहले भी लगता था, वो अभी भी लगता है, वो लग सकता है।
और वो लग गया कितना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज। तो टोटल प्राइस हो गई टिकट की रनेजा 850 रुपीज, जो भी आपका टिकट का जो अमाउंट है वो कितना है 700 प्लस 150। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डी ने जो सप्लाई ई को दी, तो डी इज अ सप्लायर और डी जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, जो भी जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, तो वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हम यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बात कर रहे कि डी की लाइबिलिटी होगी या ए की लाइबिलिटी होगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है तो वैल्यू क्या लेंगे, 700 रुपीज या 150 रुपीज। अब नहीं आ रहा सर कंफ्यूजन, अब माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है, कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी फीस इम्पोज्ड चार्ज लिवाइड अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून में कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी फीस, इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी के पर्पस के लिए जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू 700 रुपीज की प्राइस नहीं होगी। टोटल अमाउंट कितना चार्ज किया, 150 रुपीज, जो एंटरटेनमेंट टैक्सेस के नाम से लिया जा रहा है वो भी वैल्यू के अंदर क्या होगा, एड होगा। इट मीन जो वैल्यू होगी दैट इज द 850 रुपीज, 700 रुपीज कंसिडर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 रुपीज आपको एड करना है, एंटरटेनमेंट टैक्सेस क्या होगा, एड होगा। और सर पॉइंट नंबर ई भी याद हो गया, कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी फीस, कोई भी सेल, जो भी चार्ज किया जा रहा है, जो भी लिवाइड किया जा रहा है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, वो वैल्यू में एड करना है। रुक जा जरा, अदर देन नॉट इंक्लूड नहीं इंक्लूड करता, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को, ए चलो थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिन मेडिटोरियल्स ने फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट को कोई कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की, चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने ए को कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की और कोचिंग की सर्विसेज के लिए जो फीस का जो अमाउंट है दैट इज रुपीज 40,000 रुपीज, एग्जाम्पल है। और जीएसटी मैंने पहले भी कहा था परसेंटेज में अप्लाई होगा, लेकिन मान लेते हैं 5,000 रुपीज, टोटल इज 45,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट ए, टोटल अमाउंट या प्राइस पेड, तो टोटल ए स्टूडेंट दैट इज अ रेसिपिएंट, ये चिन्मय ट्यूटोरियल्स को कितना अमाउंट देगा, कितना प्राइस देगा, टोटल अमाउंट देगा 45,000 रुपीज। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि जब जीएसटी चार्ज करने के लिए जो आप वैल्यू लोगे वो 45,000 रुपीज लोगे या 40,000 रुपीज लोगे? सर ऑब्वियसली क्या सर पता है जीएसटी के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी के ऊपर जीएसटी तुम्हें चार्ज करोगे क्या सर? जीएसटी के ऊपर जीएसटी कैसे, भिखारी वाली बातें कर रहा, पूरे भूख भिखमंगी हो गया, पूरे भूखे हो गया भैया, वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाओ ना, जीएसटी के ऊपर जीएसटी क्यों लगाते हो? वही हम कह रहे हैं ना, जितने भी टैक्सेस है किसी और लॉ में इम्पोज होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यदि किसी और कानून के अंदर यदि कोई टैक्सेस लगा, वो भी टैक्सेस वैल्यू के पर्पस के लिए, जीएसटी के पर्पस के लिए, हम उसे वैल्यू में ऐड करेगा, लेकिन जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो सी जीएसटी हो, एस जीएसटी हो, यूटी जीएसटी हो, आई जीएसटी हो, जीएसटी सेज हो, ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होंगे। पर एक रिक्वायरमेंट है, इनको आपने सेपरेटली इंडिकेट किया, अपने इनवॉइस के अंदर बताया अलग से, तो सेपरेटली इंडिकेटेड, सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। एक बार वापस से पॉइंट नंबर ये बता देता हूँ ब्रीफ में, याद हो गया सर? बिल्कुल याद हो गया सर। कोई भी टैक्सेस हो, कोई भी ड्यूटीज हो, किसी भी लॉ के अंदर चार्ज किया जा रहा हो, वो सब वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जो जीएसटी है सर उसे वैल्यू के पर्पस के लिए ऐड नहीं करना, क्योंकि जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन
एक रिक्वायरमेंट है, वो जीएसटी आपने अपने बिल या इनवॉइस के अंदर आपने सेपरेटली इंडिकेट दिखाया हो, शोन किया, अलग से दिखाया हो, अलग से बताया हो, जो भी आपका जीएसटी का अमाउंट है, तो वो जो भी जीएसटी है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सीरीज वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। दिस इज पॉइंट नंबर ए, राइट डाउन फर्स्ट। अब तक हम लोगों को समझ में आ गया है कि जो सप्लाई के लिए जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर जितने भी आपके टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस और ड्यूटीज और सेस जो भी चार्ज किया जा रहा है वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन जिस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज होगा उस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो जीएसटी आपका सी हो या एस हो या आई हो या यूटी जीएसटी हो या कोई जीएसटी सेस क्यों नहीं हो। इतना मैं समझ में आ गया। कुछ और क्लेरिफिकेशन, कुछ और पॉइंट भी है जब हम साथ में ही टैक्सेस के रिगार्डिंग कंप्लीट करते जाते हैं। तो नंबर वन, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 की, जिसमें हम इंक्लूजन्स देख रहे हैं और इंक्लूजन्स के अंदर हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए के रिगार्डिंग कुछ कनेक्टेड पॉइंट और है, नो डायरेक्टली पॉइंट नंबर ए में नहीं दिए हुए, उसके कनेक्टेड पॉइंट है। पहले अपन लेते हैं नोट नंबर वन। नोट नंबर वन क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ए ने बी को कोई भी गुड्स, ए ने बी को कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज या बोथ सप्लाई किया, ए ने बी को कोई भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों सप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ वैल्यू, जिसका प्राइस था, वैल्यू था, जो भी आप बोलो, तो जो प्राइस है दैट इज रुपीज 4000 चार्ज किया, जिस पर केएल फ्लर सेज क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आई थी, तुम लोगों को ध्यान भी होगा, तो 2019 के अंदर तो केरल फ्लड सेज करके केरल के अंदर एक फाइनेंस बिल बनाया गया, वहां पे सेज इंपोज किया गया एट द रेट ऑफ 1%। ये तो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि 1% सेज है, ये हमारे रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि केरल के अंदर फ्लड सेज करके इंट्रोड्यूस किया गया केरल फाइनेंस बिल के अंदर। तो अब केरल के अंदर कोई सप्लाई हुई, ए ने क्या किया, बी को सप्लाई किया, प्राइस कितना है 4000 रुपीज, तो कोई भी केरल फ्लड सेज एप्लीकेबल हुआ एज पर द क्लोज नंबर 14 ऑफ द केरल फाइनेंस बिल 2019। तो और केरल फ्लड सेज जो भी एप्लीकेबल हुआ, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए वैसे एट द रेट 1% एप्लीकेबल है, 1% के हिसाब से 40 रुपीज अपन वही ले लेते हैं, कितना भी ये दैट इज अ सेज, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 4040 रुपीज। अब हमारे सामने जो कंफ्यूजन था वो ये था कि हमने पॉइंट नंबर ए के अंदर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का क्लोज ए फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जितने भी टैक्स ड्यूटी सेज किसी भी लॉ में इंपोज किए जा रहे हैं तो सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा, इसलिए सी जीएसटी रूल्स में एक नया रूल बनाया गया, रूल नंबर 32A। और रूल नंबर 32A के अंदर क्लेरिफाई किया गया कि यदि किसी भी सप्लाईज में यदि कोई सेज यदि एप्लीकेबल है, यदि ए ने बी को कोई भी सप्लाई किया, उस सप्लाई पर यदि कोई भी केरल फ्लड सेज करके यदि कोई अमाउंट यदि ऐड किया जा रहा है, तो जिस वैल्यू पर आप जीएसटी चार्ज करोगे उस वैल्यू में ये सेज इंक्लूड नहीं होगा। मींस अ वैल्यू फॉर अ पर्पस ऑफ जीएसटी विल बी 4000 रुपीज, सेज इंक्लूड नहीं होगा। जनरल स्टेटमेंट अभी भी यही है कि जितने भी सेज है, ड्यूटी है, टैक्सेस है, सब वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना होगा, लेकिन कौन सा वाला मैं तुमसे बात कर रहा हूं, केरल फ्लड सेज। तो केरल फ्लड सेज करके जो सेज यदि किसी सप्लाईज में ऐड किया गया है तो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। इट मीन जो जीएसटी है वो 4040 रुपीज पे नहीं लगेगा, जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन द रुपीज 4000, 4000 रुपए पर जीएसटी आपको लगाना है, 4040, 4040 रुपीज पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल नोट नंबर वन एज पर रूल नंबर 32A। वैसे ही रूल हमें बाद में पढ़ना था, लेकिन ये रूल पॉइंट नंबर ए से कनेक्टेड था, इसलिए मैंने बोला जो कनेक्टेड पॉइंट है उसको भी साथ में ही कवर करते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर ए में दिया है जितने भी टैक्सेस है, ड्यूटीज है, सेज है, फीस से या चार्जेस है, सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा, चाहे किसी भी लॉ में इम्पोज्ड क्यों ना हो। तो इससे मैंने साथ ही साथ ये याद करा दिया कि यदि केरल फ्लड सेज के अलावा कोई और सेज दिया है
यदि यहाँ पे मैं बोलूँ नॉर्मल साइज है तब तो 4040 रुपीज है, तब तो 4040 रुपीज है, लेकिन इन्हें केरल फ्लड साइज है, केरल फ्लड साइज यदि वैल्यू हुई यदि ए तब वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। केरल फ्लड साइज जीएसटी के पर्पज के लिए जो वैल्यू निकालोगे उस वैल्यू के अंदर कभी भी ऐड नहीं होगा। मीन जो वैल्यू जो कंसिडर की जाएगी दैट विल बी ओनली 4000 रुपीज पर ही आपका जीएसटी चार्ज होगा। इट इज नोट नंबर वन, नॉट इंक्लूड दी सेल्स फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी जो भी आप वैल्यू कंप्यूट करोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। दिस इज नॉट नंबर वन एज पर रूल नंबर 32A 28 जून 2019 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, रूल नंबर 32A फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉइंट नंबर ए। नाउ वी कम टू द नोट नंबर टू। समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं है, बड़ा मजा आ रहा है, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। नोट नंबर टू क्या कहता है? नोट नंबर टू का भी रीजन है ये, थोड़ा सा इनकम टैक्स तो हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्ड में इनकम टैक्स प्रॉब्लम है ना, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं जीएसटी में इनकम टैक्स थोड़े बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि अपने आप में इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो एक टॉपिक एक दिन में निकल जाता है, एक दिन में क्या दो दिन बीच चल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जीएसटी पढ़ने के लिए आए तो इतना बता देता हूँ जिससे कि बच्चों को थोड़ा कम प्रॉब्लम हो। बहुत डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, टॉपिक है इनकम टैक्स के अंदर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये कंसेप्ट इनकम टैक्स में दिया है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे टीसीएस इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो मैं बहुत डिटेल में बात करता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है जीएसटी। फिर भी एक ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा कवर करने का ट्राई करूंगा जिससे कि कंसेप्ट में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं। इसका भी अपन एक एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे इज ए, ए ने बी को कोई भी सेल किया, ए ने बी को माल बेचा, ए ने जब बी को बेचा तो ए यहां पे मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है, यहां पे तो हम क्या वर्ड बोलते हैं सप्लाई, जीएसटी के पर्पज के लिए कौन हो गया, ए ने सप्लायर हो गया, बी क्या हो गया रिजर्व रेसिपिएंट हो गया, ऐसे कुछ होता है। तो जब ए ने सप्लाई किया तो ऑब्वियसली इनकम किसकी है, ऑब्वियसली इनकम एक ही होगी। तो इनकम टैक्स में क्या वर्ड यूज किया जाता है, जब ए ने बी को माल बेचा तो बी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। तो पेमेंट कौन देगा, ऑब्वियसली जब ए ने बी को बेचा तो बी, ध्यान से देखना, बी क्या करेगा पेमेंट देगा, बी पेमेंट देगा ए को। तो पेमेंट देने वाला कौन हो गया, पेयर, जिसको पेमेंट किया जा रहा है, रिजर्व पे। इनकम टैक्स में भी दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है टीडीएस और एक आता है टीसीएस। यहां पे जो बात की जा रही है टीसीएस की बात की जा रही है, क्यों की जा रही है, उसका एक रीजन है टीसीएस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को माल बेचा 100 रुपए का, तो उस केस में कंसेप्ट क्या आता है, ए बोलता है मैं तुम्हें 100 रुपए का माल बेच रहा हूं, मतलब कोई भी माल बेचा दैट इज अ वैल्यू ऑफ रुपीज 100, सो 100 रुपए का माल बेचा। ए को क्या करना पड़ता है, बी का टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता है, होता है इनकम टैक्स ही है, जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं। तो एक्चुअली इनकम टैक्स क्या बोलता है, क्या पता बी बाद में टैक्स पे करे या ना करे, तो ए को बोला जाता है भैया तो तुम जो माल बेच रहा है तो जो माल तुमने बेचा तो उसका 100 रुपया तो तुम लेगा ही लेगा, तो 100 रुपए के साथ बी का टैक्स भी पहले से ले लो, गवर्नमेंट को दे दो, तो बी का जितना भी टैक्स बनेगा इनकम टैक्स जीएसटी नहीं, तो इनकम टैक्स जो बनेगा बी का इनकम टैक्स है वो तुम लेके हमें दे देना, मतलब अलग से कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स ही है, किसका, बी का। तो बी का इनकम टैक्स दिया गवर्नमेंट को दे दिया, बी का इनकम टैक्स दिया गवर्नमेंट को दे दिया, इसे बोलते हैं टीसीएस। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नाउ ए ने जब बी को बेचा माल 100 रुपए का माल, लेकिन जब बी पे करेगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए का पेमेंट प्लस फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज का अपन टीसीएस मान ले, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, रिलीज 102। तो एक कंफ्यूजन बहुत सालों से आ रहा था जब से जीएसटी आया 2017 में, कि जो जीएसटी जो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर है यहाँ पे रेसिपिएंट है, तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है जीएसटी के नाम रेसिपिएंट पर यूज करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर पेयर, ये बंदा अमाउंट पे करेगा, तो जब ये पेमेंट करेगा तो 102 रुपया देगा,
102 रुपए देगा। और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोलता है, जितना भी रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिया तो रेसिपिएंट ने सप्लायर को 102 दिया। तो क्वेश्चन ये था कि जीएसटी के पर्पस के लिए जो वैल्यू लोगे वो वैल्यू 102 लोगे या 100 रुपीज लोगे। क्वेश्चन समझ में आया, सामने देखो बेटा क्वेश्चन पेपर समझना, ट्राई करो। प्रॉब्लम क्या थी अब तक, मैं ये नहीं बोल रहा कि 102 होगी या 100 होगी तो हम बनाएंगे, मैं तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ए ने बी को माल बेचा, बोला 100 रुपए का माल है, लेकिन इनकम टैक्स में क्या वाले क्या बोलते हैं, भैया वो पेयर पेयर बी जब तुम ए को पेमेंट देगा, जब तुम ए को पेमेंट देगा या ए सुनो, तुम जब बी से पेमेंट लेगा, बी से पेमेंट लेगा तो जो वैल्यू है, जो वैल्यू है, जो माल है गुड्स की, जो वैल्यू है 100 रुपया, 100 रुपया तो लेना ही है तेरे को, 100 रुपया तो लेना ही है। 2 रुपए भी ले ले, किस बात का ले ले, वो बी का ही टैक्स है, ए का टैक्स नहीं है, वो तुम्हें लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ए के ऊपर ऑब्लिगेशन है, वरना ए तेरे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। इनकम टैक्स वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं ले रहा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आधा घंटा लगे, लेकिन टीसीएस जीएसटी पढ़ रहे, इनकम टैक्स ही पढ़ रहे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा जितना रेलिवेंट है, क्योंकि हमारा मुद्दा जीएसटी का है, टीसीएस का नहीं है, फिर भी समझाने का ट्राई कर रहा हूं। तो नाउ बी ने ए को पेमेंट दिया, तो वर्थ ऑफ द गुड्स, गुड्स जो दिया वो 100 रुपए का था, तो बी ने ए को 100 रुपया दिया, 100 रुपए के साथ ए को लेना था 2 रुपए का इनकम टैक्स, 2 रुपए का इनकम टैक्स जो बी का था, बी का ही है, बी को बेनिफिट मिल जाएगा बाद में, लेकिन ए को बोला तुम्हें 100 रुपए भी लेने और 2 रुपए बी के इनकम टैक्स भी लेके हमें जमा कराना है। तो नाउ ए को वैसे कितना मिला अमाउंट, 100 रुपया का वैल्यू और 2 रुपए का इनकम टैक्स जो बी का था, जो बी ने ए को दिया गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो ये कंफ्यूजन चला आ रहा था कि जो वैल्यू जो होगी 102 होगी या 100 रुपीज होगी। तो सीबीआईसी ने बहुत बाद में सर्कुलर निकाल ही दिया, उन्होंने बोला भैया सुनो बात ध्यान से, बी ए को, इधर देखो बेटा, बी ने ए को 102 रुपया दिया, बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो 2 रुपया है ना, वो जो 2 रुपया है ना वो इंक्रीम लेवी है, वो नॉर्मल इनकम टैक्स है, बी का इनकम टैक्स है, अलग से कोई टैक्स नहीं है, अलग से कोई टैक्स नहीं है, ये बी का इनकम टैक्स है जो ए ने बी के व्याप पे गवर्नमेंट को पे कर दिया, अलग से कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा रहा, इट इज ए इंक्रीम लेवी। क्या पता बी नहीं पे करता तो हमने ए के ऊपर ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी कि ये टैक्स बी का ही है, तुम बी से लेके गवर्नमेंट को पे कर देना, राइट right? तो ये आपने गवर्नमेंट को दे दिया अमाउंट, कौन सा वाला, 2 रुपीज। तो क्वेश्चन ये है कि जो 2 रुपीज का जो टीसीएस है, जो बी का जो इनकम टैक्स है, क्या जीएसटी के पर्पस के लिए वैल्यू में आपको ऐड करना है। मींस हमारा क्वेश्चन इतना है कि ये जो 102 रुपया जो आपने बी से लिया 102 रुपीज है, लेकिन 2 रुपए का जो टीसीएस है बेसिकली वो इनकम टैक्स है, वो बी का ही है, अलग से कोई लेवी नहीं है, अलग से कोई चार्जेस भी नहीं है, सिंपल हमारा ओनली पर्पस ये है कि ये कहीं टैक्स इवेजन ना करने लग जाए बी। तो एक को बोला कि भैया जब तुम पेमेंट लेगा ना बी से तो अपना 100 रुपया भी ले लेना, हमारे लिए मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए 2 रुपए का इनकम टैक्स बी का भी ले लेना और लेके हमें गवर्नमेंट को पे कर देना। तो 2 रुपए का इनकम टैक्स है, अलग से कोई लेवी नहीं है, इट इज ओनली इंट्रीम लेवी। तो 2 रुपीज का टीसीएस इनकम टैक्स ये जीएसटी के पर्पस के लिए वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, जो वैल्यू जो होगी दैट विल बी 100 रुपीज। मतलब ये बहुत कहानी अपन ने बना दी, डायरेक्टली टू द पॉइंट बोलता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केस स्टडी एग्जाम में आई जहां पे आपको ये दिया हुआ है कि ए ने बी को कोई माल बेचा, बी ने जो वैल्यू का जो अमाउंट है, जो भी वैल्यू और जो भी प्राइस है, जो भी अमाउंट है वो पे किया, वो पे करने के साथ टीसीएस भी दिया, और या यू कैन से आप बोल सकते हो सेलर ने टीसीएस भी कलेक्ट किया। तो जो वैल्यू है प्लस टीसीएस जो भी है, तो टीसीएस का जो अमाउंट कलेक्ट किया, ये टीसीएस वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ओनली जो वैल्यू है 100 रुपीज उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 2 रुपीज का जो टीसीएस है, ये वैल्यू के लिए, वैल्यू के पर्पस के लिए कंसिडर नहीं होगा, वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। इट इज अकॉर्डिंग टू एज पर या इट इज अकॉर्डिंग टू सीबीआईसी सर्कुलर नोट नंबर 2। और ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो क्लियरली दिया हुआ है टीसीएस
अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अंडर जो भी आपका टैक्स कलेक्टेड सोर्स है ये कभी भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज रीजन इट इज ए इंट्रीम लेवी. ये अलग से कोई भी सेपरेट चार्जेस और टैक्सेस नहीं है. जो नॉर्मल इनकम टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स है जो बी का था, लेकिन बी पे करे या ना पे करे तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अपना प्राइस भी ले लो और हमारे लिए टैक्स भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दो. तो जो भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा वैल्यू के साथ, ये टीसीएस जीएसटी के पर्पज के लिए वैल्यू का पार्ट नहीं है, वैल्यू के अंदर एड नहीं होगा, वैल्यू के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होगा. और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये दोनों कंसेप्ट नोट नंबर 1 और 2 और इससे पहले अपन ने जो पढ़ा वो समझ में आ गया होगा. राइट ऑन फास्ट, हैव अ गुड डे टू all of you.